brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. कोयला घोटाले में आपका नाम ले रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? कोई बात नहीं, ऐसा है जी, ये राजनीति में जो है लोगों को जो है हर तरह के सवाल पूछने का हक है उनका। आप लोगों का, जितने आप हमारे पत्रकार भाई हो बहने हैं, आप लोगों का पूरा हक है कि जो भी मन में आप लोगों के सवाल आए तो वो आप लोग जो है, आपका पूरा हक है, आप पूछ सकते हो। और मेरे पास जो है, मैं सब कुछ जो है खुली तरह से, मेरा जो जीवन है एक खुली किताब है, तो सब लोग जो है जानते हैं, आप सब पहचानते हो कि किसके मन में क्या है क्या नहीं है। हम बहुत ही सीधे साधे लोग हैं और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, बाबू जी ने मेहनत की, हम सब ने, भाइयों ने बहुत मेहनत की है, और पूरे देश के अंदर आज जो है बहुत से कारखाने लगाए हैं जहाँ पर लाखों लोग रोज़गार पा रहे हैं। सरकार को जो है पिछले 20 वर्षों के अंदर लाखों करोड़ का हमने जो है टैक्स पे किया है। तो देश के निर्माण के अंदर जो है हरियाणा की भूमि से जन्म लेकर के हमने देश के लिए हमने बहुत काम किया है, हर क्षेत्र के अंदर काम किया है। इसलिए कोई भी जो काम करता है, कोई भी, कई बार जो है कोई बातें उठा देते हैं, लेकिन अंत में जो है सच्चाई जो है सबके सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई जो है वो अब सबके सामने है। 10 साल से ज़्यादा हो गया, आरोप तो आप किसी के ऊपर, कोई भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है, और अंत में जो है मैं समझता हूँ कि सब कुछ जो है ये लोगों को साफ हो जाएगा कि आपका, उनका भाई, उनका बेटा जो है बिल्कुल सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो साहब एक बात और साफ कर दीजिए कि जो विरोधी लोग हैं वो, जैसे कोई आपके स्क्रीन के ऊपर कोई नवीन जिंदल की वीडियो चलाता है, कोई पुरानी वीडियो लेकर आता है, नवीन जिंदल जी एक नवी वो वीडियो क्यों नहीं जारी कर देते? करेंगे, अब तो अभी अभी शुरू किया है काम। वीडियो तो एक मिनट, आप सारे पूछ लेना, वीडियो तो अब आप लोग दिखाएंगे। अब मुझे कुछ नहीं मिलता, अब पुराना कोई वीडियो दिखा दिया, कोई 10 साल पुराना वीडियो दिखा दिया, 15 साल पुराना वीडियो दिखा दे, तो भाई मेरे में, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी जो है, मेरे में भी कमियाँ हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी एक साधारण सा इंसान हूँ, तो इसलिए कमियाँ मेरे में भी है, और लेकिन एक अच्छे मन से, और अच्छे मन से मैं काम करना चाहता हूँ, और लोगों का जो है मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा कौन से विकास कार्य अभी रह गए थे जो 10 साल में आप पूरा न कर पाए, आपको क्षेत्र लोकसभा में आपको दोबारा से इसके लिए? देखिए, विकास के जो कार्य हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, ना तो विकास के कार्य कोई अमेरिका में ख़त्म हुए हैं, ना जापान में ख़त्म हुए हैं, तो हमेशा जो है विकास जो है एक सकारात्मक रूप से काम करना, और जो भी अपना जो जीवन स्तर है लोगों का उसको निरंतर उसके अंदर बेहतरी करना, तो विकास जो है, विकास का कभी अंत नहीं होता। पिछले दशकों के अंदर बहुत काम हुआ है, लेकिन और बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे सभी नौजवानों का और उज्जवल भविष्य हो, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, लोगों का जीवन स्तर और अच्छा हो, हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ें, ये हमारा सपना है। नवीन जी, आपने पिछले प्लान में काफ़ी सेवा के कार्य किए थे और यहाँ आप फिर चुनाव लड़ने पहुँचे, तो क्या एजेंडा रहेगा आपका? स्थानीय जो क्षेत्र सीट है उस पर क्या मुद्दे रहेंगे अबकी बार चुनाव में आपकी पार्टी के एजेंडे के साथ? देखिए, पहले भी मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 10 साल तक, और जितना मुझसे बन पाया मैंने किया, और उसमें बहुत सी हमें कामयाबी भी मिली, और पिछले 10 सालों के अंदर बहुत काम हुआ है, बहुत यहाँ पर जो है विकास के काम हुए हैं, बहुत यहाँ पर सड़कें बनी हैं, बहुत यहाँ पर गांवों का विकास हुआ है, बहुत लोगों को रोज़गार मिला है, बहुत यहाँ पर विकास हुआ है, और जो है हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर सब हम यहाँ पर जितने हम सब साथी मिल करके जो जो आवश्यकताएँ होंगी लोगों की, उन आवश्यकताओं के अनुसार हम और विकास करवाएंगे।